तो यहाँ मैंने लाए हैं 250 ग्राम करेला। तो करेला हम बिल्कुल नई तरीके से बनाने जा रही हूँ मैं आज। तो अब मैं 250 ग्राम करेला बनाने से पहले क्या करूँगी, इनके साथ में इनको काट लेती हूँ। तो पहले हम इसकी पूँछ काटेंगे, ये देखिए, फिर इसकी मूँछ काट देंगे हम। तो जाई तरीका से हम सबरे करेले की पूँछ और मूँछ दोनों काट देंगे। तो 250 ग्राम से हम, मेरे 5 करेला चढ़े हैं, ये बड़े बड़े करेला हैं, और छोटे छोटे होंगे ना तो ज़्यादा चढ़ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, जा तरीका से छोटे छोटे बारीक बारीक, ये देखिए बिल्कुल कच्चे है करेला। अगर ये पके होते ना तो या में पके पके टाइट बीज होते, या के टाइट ना है बिल्कुल। ये देखो अब बीच में से और टुकड़ा करूँगा। तो या तरीका से छोटे छोटे पीस काटने हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं बगैर छीले बना रही हूँ, और फिर भी ये इतने टेस्टी बनेंगे तो कसम है आपकी मम्मी पापा की। क्या तरीका से करेला बनेंगे, बिल्कुल कड़वे ना लगेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और मैं बिल्कुल बगैर कड़वे कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले चलो अब काट लेंगे जाई तरीका था। तो यहाँ देखिए मैंने सबरे करेला है जो काट लें छोटे छोटे, ये देख लो। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ में नॉन डालेंगे और नॉन डाल के अच्छे से मिलाए लेना दूसरी बर्तन में डाल के, क्योंकि नॉन इसमें से निकल जावे हो छन्नी में। तो अच्छे से मिलाए के रख देंगे नॉन में करेला को। तो यहाँ देखिए हमने नॉन मिला लो यहाँ में। अब इनको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। और आज हम बिल्कुल नई तरीके से करेला की सब्जी बनाने वाले हैं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं करेला पनीर की सब्जी। आपने कई तरीके से करेला की सब्जी खाई होगी, करेला भरमा भी खाए होंगे, करेला प्याज भी खाए होंगे, करेला चने की दाल भी बनती है, कई तरीके से करेला बनते हैं। तो आज मैं बिल्कुल नई तरीके से आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी, आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है। तो यहाँ देखिए हमारे जब तक करेला है रहे नमक में, जब तक हम क्या करेंगे, ये प्याज ली है मैंने 3 बड़ी बड़ी, तो इनको काट लेंगे। सब तो पहले इनको हम दोनों तरफ से काट लेंगे और इनको छील लेंगे। तो यहाँ मैंने छील ली है तीनों को, और अब हम क्या करेंगे, इस क्या तरीका तक काट लेंगे यहाँ प्याज को। तो लंबे लंबे स्लाइस में काटेंगे और पतली पतली काटनी है। तो जाई तरीका आता है सबरी प्याज है जो काट लेता है। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज हुआ जो काट ली है। अब हम काटते हैं पनीर। तो यहाँ देखिए हमने निकाल लो थैली, मतलब उस थैली के ऊपर रखो है। अब हम क्या करेंगे, जाए हम काट लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 पीस कर लिए हैं, 2 में से 1 को उठा दिया अभी, क्योंकि आधा हम घिस के डालेंगे और आधा हम डाल रहे हैं यहाँ पे काट के। तो दोनों तरीके से डालूंगी मैं। तो यहाँ हमने काट लिया है, अब इसके इस तरीके से टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे। तो जाई तरीका तो सबरा हुआ पनीर है जो काट के तैयार कर लेंगे। पनीर को काट लो, ये देखिए छोटे छोटे पीस में काटो है। अब हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम गैस की तरफ आ गए हैं। तो गैस पे हमने चढ़ाई है एक कढ़ैया, और कढ़ैया में डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने लाए हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लो है। अब हम क्या करेंगे, 2 बड़ी चम्मच यहाँ पे हमने लिए है सौंफ। यहाँ मैं जीरे का तड़का नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सौंफ का अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे करेला तो ज़्यादा तरीके से सौंफ में ही बनाया जाता है। तो अब हम सौंफ को चिकने देंगे, और यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी, थोड़े से यहाँ लिए मैंने मेथी के दाने। तो जाऊँ तो बहुत अच्छा करेला बनता है, एक बार जरूर बना के देखिए आप मेथी के दाने डालने से। अब हम क्या करेंगे, यही डाल देते हैं अपने प्याज।
और प्याज को अच्छे से सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेक रहा है, मैं गोल्डन सुनहरा पिंक सा करनी है प्याज को, ज़्यादा एकदम से ना सेकना। तो जलाते हैं हम इनको। तो यहाँ देखिए प्याज है जो हमारी भुन चुकी है, हल्की सी पिंक पिंक गुलाबी सी है गई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सिकने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्याज भी सिक चुकी है उधर, और इधर हमारी 20 से 25 मिनट भी हो गए, तो ये अच्छे से ये नमक में हो चुके हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो जाते हैं नमक में करने से, ये देखिए पानी भी काफ़ी सारा निकल रहा है, ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे इनको धो लेते हैं अच्छे से, तो चलो हम धो के ले आते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इनको रगड़ रगड़ के धोए लाए करेला को 2 से 3 बार। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से हाथ में लेना और थोड़ा सा पानी इनको निचोड़ना है और सीधे कढ़ैया में डालने हैं। तो जाई तरीका से सबरे करेला है हम डाल देंगे निचोड़ निचोड़ के। तो यहाँ देखिए मैंने सबरे करेला है जो डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी प्याज के साथ में करेला को अटाल लेती हूँ और गैस को हम तेज कर लेंगे। अच्छे से मिलाना है और यहीं हम पनीर को डाल देंगे। तो अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पनीर को करेला प्याज के साथ में अच्छे से मिला लिया है और अब हम क्या करेंगे यहीं डाल देते हैं मसालों। मसालों में ले रहे हैं यहाँ पे हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला और इसमें डालेंगे इसी के साथ में हम भर के 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ लिया मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इसी के साथ डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ जाएगा यहाँ पे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर थोड़ा जरूरी है डालना क्योंकि करेले जो खट्टे ही अच्छे लगते हैं, तो इसमें 1 बड़ी चम्मच हमने अमचूर पाउडर भी डाल दिया है और अच्छे से अटाल लेंगे। तो अच्छे से मिलाना है, गैस हमारी तेज हो रखी है तो इसको कर देते हैं कम। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिला लाए देखिए सभी मसाले को। अब बारी आती है हमारी नॉन की, तो नॉन हमने अभी तक नहीं डाला है, नॉन भी डाल देते हैं और फिर नॉन को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे नमक मिलाने के बाद। तो यहाँ हमारे 2 मिनट हो गए हैं और ढक्कन उठा के हम इसको अटारेंगे पनीर और करेले को। तो यहाँ हम करेले को चेक कर लेंगे पहले। तो यहाँ देखिए करेला है जो हमारे गल गए हैं अच्छे से। तो अच्छे से एक बार करेला चेक करने के बाद में इसको अटाल लेंगे। तो इस तरीके से करेला की सब्जी बनाओगे ना पनीर और करेले की, तो बार बार बना के खाओगे। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर को बचा लिया था तो इसको हम घिस के डालेंगे। अब ये देखिए एक टुकड़ा मैंने बचाया था पनीर का, तो किस पनीर घिसने से क्या होगा बहुत और टेस्ट आएगा और पता भी नहीं चलेगी कि किस तरीके से बनाई है सब्जी। ये देखिए तो घिस देते हम कई तरीके से। तो यहाँ देखिए हमने कद्दूकस कर दो पनीर को यानी घिस दो और अब हम क्या करेंगे घिसा हुआ पनीर को भी मिला लेंगे। अगर कसर पड़ेगी ना पनीर की तो और डाल देंगे, कंजूसी हमें बिल्कुल ना करनी। तो लीजिए हमारी बन के तैयार है पनीर करेले की सब्जी है जो। अगर आपको पनीर करेला की नई तरीके से सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।
और इस आप करेले की सब्जी को पूड़ी पराठे रोटी किसी के साथ ही खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है।